मामा मामी की कहानी, नाना नानी की कहानी। हाय राम, ये गर्मी तो मेरी जान लेके रहेगी। जानो मेरा मन ना राजमा चावल खाने का कर रहा है, जाके राजमा चावल बना दो ना। राजमा चावल? अब मेरा मन कर रहा है बाहर का खाना खाने का। बाहर का खाना खाने का? अरे जानू आज ना तो तुम्हारा बर्थडे है ना मेरा बर्थडे है ना हम दोनों की एनिवर्सरी है, तो फिर आज बाहर का खाना क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी है मेरे बस की नहीं है कि मैं रसोई में खड़े होकर खाना बनाऊं। तो जानू जितनी गर्मी घर में है ना, अरे उससे 4 गुना ज्यादा गर्मी बाहर है। भाई मैं नहीं जा रहा बाहर खाना बनाना लेने, बाहर बहुत गर्मी है। तुम्हारा मन नहीं है बाहर जाने का, हाँ और मेरा मन नहीं है किचन में जाने का, तो आज खाना बनाएगा कौन? देखो जानू अब मुझे मत देखो ऐसे। हाँ अरे मैं नहीं बनाने वाला खाना बना। ना खाना तुम बनाओगे ना खाना मैं बनाऊंगी, खाना बनाएगी दीदी यानी तुम्हारी भाभी। जानू तुम दोनों का काम बटा हुआ है। अब नाश्ता तो तुम दोनों सुबह एक साथ बनाती हो, लेकिन दिन का खाना तो तुम बनाती हो ना, रात का खाना वो बनाती है, तो फिर वो दिन का खाना क्यों बनाएंगी? क्योंकि आज मैं दीदी को ऐसा बनाऊंगी कि वो रात का तो रात का दिन का भी खाना बनाएंगी। बनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो ही है, भले तुमने पढ़ाई में पीएचडी ना करी हो लेकिन बनाने में तुमने डबल पीएचडी कर रखी है। तुम मेरी बुराई कर रहे हो या तारीफ? अरे तुम्हारी तारीफ में तो तुम्हारी बुराई छिपी हुई है, तुम्हारी बात तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन तुम तो मेरे पल्ले पड़ गई ना। क्या क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैंने। चलो छोड़ो मैं चलती हूँ दीदी को बनाने। थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, पेट में बहुत तेज दर्द उठ गया। आए, सुन एक काम कर, सिकाई के लिए गर्म पानी की बोतल ला दे। अच्छा सुन एक, हाँ एक दर्द की गोली भी दे दियो। गोली? जी सुन, हाँ दोपहर का खाना तो बनाएगी, मेरे लिए हल्के मसालों की खिचड़ी छोक दियो। कम मसालों की खिचड़ी? जी अरे सुन, देवर जी से कह के 250 ग्राम दही मंगा दियो, मैं दही डाल के खिचड़ी खा लूंगी। बाजार से दही मंगा दूं? जी मंगा दूंगी। सुन हाँ लगता है रात का खाना मैं नहीं बना पाऊंगी, रात का खाना भी तू ही बना लियो। ठीक है जिठानी हूँ जिठानी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और हाँ बेल बजाने की घंटा।